बैक अगेन फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे जॉब्स के बारे में जो आप आई गेस मोबाइल के थ्रू में भी कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि जो जॉब मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी वहां पर कुछ काम है जो आप मोबाइल के थ्रू में कर सकते हो, हाँ कुछ के लिए, लेकिन आपको कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। कुछ नॉन टीचिंग से रिलेटेड जॉब है, कुछ टीचिंग से रिलेटेड जॉब है। तो सबसे पहला जो जॉब है जहां पर आप मोबाइल के थ्रू में काम कर सकते हो तो वो है टेलीसेल्स एग्जीक्यूटिव का। कम्प्लीटली जो सारे ऑप्शंस बताऊंगी वो वर्क फ्रॉम होम होंगे। और एक चीज, जहां पर ये जॉब अवेलेबल है वो काफी ऐसा जेन्युइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे पहले ही सारे सब्सक्राइबर्स जो है वो बहुत सारे यहाँ पर काम कर भी चुके हैं, ठीक है। तो हम उनसे भी एक्सपीरियंस मांग सकते हैं। और जो सैलरी पैकेज है इसका जो नॉन टीचिंग से रिलेटेड है उसका भी अच्छा है, जो टीचिंग से रिलेटेड है उसका भी अच्छा है, जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो फुल टाइम करना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक है, ठीक है। तो काफी अच्छे प्लस पॉइंट्स देखे मुझे ये सारे जॉब आप लोगों के साथ में शेयर करते हुए, क्योंकि बहुत लोगों का कहना था कि मैम पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो कोई ऐसा जॉब बताओ जो मोबाइल के थ्रू में कर सकते हैं। तो जहां तक मैंने इस जॉब को जानने की कोशिश की मुझे यही पता चला उनसे कॉल करने के बाद भी कि हाँ ये जॉब जो है वो आप मोबाइल के थ्रू में कर सकते हो, ठीक है। तो जो टेलीसेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब है वो कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम है जहां पर आपको सिर्फ मोबाइल के थ्रू में ही काम करना है। आपको काम क्या है यहाँ पर, तो आपको एक कोल्ड कॉलिंग करनी है, ऑनर आपको डेटाबेस दिया जाएगा उसी के आधार पर आपको कॉलिंग्स करनी है, बट नियर अबाउट 200 कॉल्स आपको दिन के यहाँ पर करने हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए यहाँ पर काम करने के लिए। एक्सपीरियंस की बात करूं तो अगर आपके पास में 2 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा तो वो काफी अच्छा है, लेकिन फ्रेशर भी हो तो भी अप्लाई करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट 15 to 20,000 डेफिनेटली आपको यहां से मिल जाएगा। जो जॉब्स यहां पर मैं नॉन टीचिंग से रिलेटेड कर रही हूं उसमें सारे में आपको जो सैलरी रहेगा ना वो इन बिटवीन 15 to 20,000 का रहेगा। सेकेंड वहीं पर एक और जॉब है जिसका बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का है, फुल टाइम है लेकिन है, ये पार्ट टाइम नहीं कर सकते आप। 1 to 20 ईयर्स का आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेफिनेटली बिजनेस डेवलपमेंट मतलब कम्प्लीटली सेल्स से रिलेटेड जॉब होता है, तो हाँ लेकिन ये भी वर्क फ्रॉम होम ही है। तो दो जॉब्स हो गए। तीसरा जो जॉब है यहाँ पर वो है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का। कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव कम्प्लीटली फ्रेशर्स के लिए है। अगर आपके पास में 0 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 0 का मतलब डेफिनेटली अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर काम करने के लिए एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल चाहिए आपको, इंग्लिश और हिंदी का। टेलीसेल्स के लिए अगर आपके पास में थोड़ा सा इंग्लिश का कम है तो भी आपको चल जाएगा, लेकिन कस्टमर सपोर्ट के लिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भी आने चाहिए। वॉइस प्रोसेस का कम्प्लीटली ये काम है, ये भी काम आप मोबाइल के थ्रू में कर सकते हो। और यहाँ पर करना क्या होता है, आपको जो कस्टमर की क्वेरीज आते हैं उनको कॉल्स पे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो टेलीसेल्स एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट और कस्टमर सपोर्ट, इन तीनों में से दो जॉब्स तो आपके मोबाइल के थ्रू में चलने वाले। बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हाँ डेफिनेटली आपको एक पीसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब उसी के बाद में मैं बात करती हूँ, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे कुछ टीचिंग से रिलेटेड जॉब जहां पर भी ऑनलाइन मैथ्स टीचर की जरूरत है फिलहाल के लिए, इंग्लिश टीचर की जरूरत है और इंग्लिश टीचर यूएस टाइमिंग के बेस पर भी जरूरत है, मतलब उसका जो टाइमिंग शिफ्ट होगा वो नाइट शिफ्ट का भी होगा। तो जो लोग दिन में नहीं काम कर सकते डेफिनेटली वो लोग रात में काम कर सकते हैं। और इनकी रिक्वायरमेंट भी जो है प्लैनेट स्पार्क की वो कम से कम 2 hours का लिखा हुआ है, लेकिन आई गेस 4 to 5 hours डेफिनेटली आपको यहाँ पर डेडिकेट करने चाहिए एक अच्छी खासी अर्निंग करने के लिए। अगर जहां तक मुझे पता चला इसके जो राउंड्स होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, तो सबसे पहले आपका जो टेलीफोनिक राउंड होता है तो नॉर्मली यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा बहुत चेक किया जाता है। उसके बाद में टीचर्स के लिए एक पीसेट टेस्ट होता है, दैट इज आई गेस प्लैनेट स्पार्क एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसी पर आपका जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड और चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो आप क्रैक कर लेते हो तो आपका एक लाइव डेमो हो जाता है। उस लाइव डेमो में वो यही पता करते हैं कि आप टीचिंग कैसे करते हो, आपका स्किल कैसा है सिखाने का। ये सारा होने के बाद में आप इसमें से कोई भी प्रोफाइल पर कर चले जाओ, जहां पर सिलेक्ट हो जाते हो तो डेफिनेटली आपको एक ट्रेनिंग मिलेगी, उस ट्रेनिंग के बाद ही आप ऑनबोर्डेड हो जाते हो, ठीक है। तो जो सारे जॉब्स हैं आज के जितने हैं जहां पर टीचिंग से भी है नॉन टीचिंग से भी है, उसके एक ही लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप चले जाओ वहां पर, जो प्रोफाइल आपको ठीक लगता है वहां पर एक सिंपल सा फॉर्म आपको फिलअप करना है जहां पर आपका नेम, रिज्यूमे और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ देना है। वैकेंसी तो डेफिनेटली है, अगर आप उस प्रोफाइल के लिए मैच कर जाते हो तो यहाँ पर ये कर लेना, मतलब उन लोगों के पास से आपको कॉल आ जाएगा। और क्वालिफिकेशन टेलीसेल्स के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट और कस्टमर सपोर्ट के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर। तो अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन कम भी है लेकिन स्किल अच्छा है तो आप यहाँ पर जरूर अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, विल गेट इन टच इन द नेक्स्ट वीडियो।